आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल बैदे थाना क्षेत्र का मामला, वृद्धा की हत्या का हुआ खुलासा, नाती ने ही उतारा था दोस्त के साथ मौत के घाट, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। बैतूल जिले के भैंसदेई थाना क्षेत्र में एक वृद्ध महिला के जेवर और रुपये चोरी कर हत्या करने के मामले का भैंसदेई पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतिका का नाती ही है। वहीं दूसरा आरोपी उसका दोस्त है जो कि फिलहाल फरार चल रहा है। बैतूल राष्ट्रीय शालेय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल हुए 256 मैच। 14 वर्ष 17 वर्ष और 19 वर्ष आयु वर्ग में तकरीबन 602 प्रतिभागियों ने लिया भाग। मुल्ताई हिट एंड रन कानून का विरोध। मुल्ताई में ट्रक ड्राइवर यूनियन ने किया आज जमकर प्रदर्शन, दूसरे दिन भी जारी रही हड़ताल। हिट एंड रन के कानून के विरोध में वाहन चालक संघ की हड़ताल का आज दूसरा दिन भी जारी है। आज मंगलवार को ट्रक ड्राइवर यूनियन के सदस्यों ने बस स्टैंड पर जमकर प्रदर्शन किया और विरोध जताया। इस दौरान यूनियन के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की और मुख्य मार्ग पर टायर जला दिए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। वहीं आपको बता दें कि आमला थाना क्षेत्र के ससुंदरा में एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई है। मुल्ताई थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा सहित पूरा पुलिस अमला मुल्ताई बस स्टैंड पर फिलहाल मौजूद है। आज मंगलवार को यूनियन के सदस्यों ने आम लोगों से कानून को वापस लेने के संबंध में समर्थन मांगा। मुल्ताई ट्रक ड्राइवर यूनियन अध्यक्ष सलीम खान ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर के बस स्टैंड पर प्रदर्शन कर कानून का विरोध किया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर यूनियन के सभी सदस्यों का कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मुल्ताई आज से हुआ माँ ताप्ती परिक्रमा पदयात्रा का शुभारंभ। सुबह 8 बजे से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माँ ताप्ती परिक्रमा पदयात्रियों को दी शुभकामनाएं। हजारों की संख्या में पहुंचकर बढ़ाया हौसला। मुल्ताई नगर से आज माँ ताप्ती परिक्रमा पदयात्रा का शुभारंभ हुआ है। यह यात्रा ताप्ती नदी के दक्षिण तट से सूरत समुद्र संगम डूमस तक पहुंचेगी। इसके बाद वापस हजीरा से प्रारंभ होकर 4 मार्च को तकरीबन 64 दिनों की यात्रा संपन्न होगी और मुल्ताई उद्गम स्थल पर यात्रा का समापन होगा। आज सुबह तकरीबन 8 बजे बड़ी संख्या में पैदल यात्रियों को माँ ताप्ती मंदिर में पूजा अर्चना कर मुल्ताई से रवाना कर दिया गया है। इस दौरान जगह जगह सभी यात्रियों का पुष्प वर्षा और रंगोली बनाकर स्वागत सत्कार किया गया है। बैतूल सोमवारी पेट निवासी एक मजदूर को हमलापुर इलाके के पास अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, घायल को लाया गया इलाज के लिए बैतूल के जिला चिकित्सालय। बैतूल नागपुर फोरलेन पर बडोरा में ड्राइवरों ने किया कल चक्का जाम, जमकर किया प्रदर्शन, की नारेबाजी। पूरे जिले भर में लगातार हिट एंड रन कानून का ड्राइवर्स एसोसिएशन कर रहा है विरोध। बैतूल के जिला चिकित्सालय में कल नूतन वर्ष पर जन्मी बेटियों को उपहार में दिए गए रामलला की चांदी और सोने के लॉकेट। इस दौरान मौजूद रहे विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल। बैतूल एक बाइक चालक की टक्कर से दूसरा बाइक चालक हुआ घायल। बैतूल जिला चिकित्सालय के पास की है घटना। घायल को बैतूल अस्पताल में करवाया गया भर्ती। आठनेर क्षेत्र के ग्राम पूसली सवासन गांव का मामला। साल के पहले ही दिन एक युवती का मिला शव। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जा रही है छानबीन।
बैतूल एएसपी कमला जोशी, एसडीओपी भूपेंद्र सिंह मौर्य ने कल सोमवार को पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का किया निरीक्षण। बैतूल मुलताई में डेढ़ माह में पांचवी बार जला ट्रांसफार्मर, परमंडल गांव का है मामला। चिचोली धर्मांतरण के विरोध में प्रदर्शन, कल दोपहर तक बंद रही चिचोली में सभी दुकानें, फरार आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आमला हिट एंड रन मामले में कानून के नए प्रावधानों के विरोध में आमला के पेट्रोल पंप पर वाहनों की लगी भीड़, लोग हो रहे हैं परेशान। आमला के वार्ड क्रमांक 16 पोस्ट ऑफिस के सामने वाले मंदिर में दुर्गा प्रतिमा तोड़कर नाली में फेंकने को लेकर लोगों में खासा आक्रोश, दो आरोपी इस पूरे मामले में हुए गिरफ्तार। आमला बस स्टैंड आमला में नए परिवहन कानून के विरोध में बस चालकों ने कल की हड़ताल, इस संबंध में सीएम के नाम थाना प्रभारी को सौंपा ज्ञापन। शाहपुर पवार झंडा गांव पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा, ग्रामीणों को दी गई योजनाओं की जानकारी। शाहपुर हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक और बस ड्राइवर संगठन की हड़ताल का पेट्रोल पंपों पर दिख रहा है असर, इसका असर शाहपुर में देखा जा सकता है साफ। घोड़ोंगरी पाताखेड़ा में WCL के सब स्टेशन में घुसकर 9 चोरों ने 2 कर्मचारियों से की मारपीट, घायल कर्मचारियों का कल पुलिस ने करवाया मेडिकल। भैंसदेही देड़पानी पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा, यात्रा में पात्र हितग्राहियों को प्रमाण पत्रों का किया गया वितरण, योजनाओं के संबंध में दी गई जानकारी। आठनीर ग्राम कोयलारी पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा, यात्रा में उपस्थित ग्रामीणों को शासन की योजनाओं के संबंध में दी गई जानकारी। भैंसदेही पूर्व कांग्रेसी विधायक श्री धर्मो सिंह सिरसाम पहुंचे ग्राम गुदगांव, वाहन चालकों की हड़ताल का किया प्रदर्शन, कानून वापस लेने रोड पर बैठे, जमकर किया धरना प्रदर्शन। भीमपुर में वाहन चालकों ने केंद्र सरकार के द्वारा बनाए कानून को वापस लेने के संबंध में कल सौंपा ज्ञापन, लगातार ड्राइवर्स के द्वारा की जा रही है हड़ताल।